اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إسجلاسك معز السدر जनाब असलम ख़ान साहब नाजुम सूबाई जम तेलेशनाटक व गोवा व दीगर जिम्मेदारान जमीयत, स्टेज पर मौजूद तमाम ही मुआज़ शुरा इजलास और प्रदानशीन ख़वातिन इस्लाम इजलास की इस आखिरी तकरीर के तौर पर मुझे आपके सामने जिस जिसवान और जिस मौजु पर गुफ्तु करनी है वह मौजू है नुस खैर ख़ाहिब अल्लाह रब्ज़त ने पुरानी मजीद में फ़रमाया कि वह आहसिनों इनबलमहसिन एहसान करो कि जो बंदे एहसान करते हैं वो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं बड़े महबूब हैं और एहसान की जो बहुत सारी सूरतें हैं बहुत सारी शक्लें हैं उनमें से एक बहुत बड़ी शक्ल है खैर खाही नुसो खैर खाही ये नुसो खैर खाही कितनी अजीम सिफत है अगर दीन का तारुफ दीन इस्लाम का तारुफ एक जुमले में नहीं एक लफ्ज में करना हो दीन क्या है आपसे कोई पूछे दीन का इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे दीन का तारुफ क्या है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई आपसे पूछे दीन का तारुफ क्या है दीन का इंट्रोडक्शन क्या है वो एक लफ्ज़ में जो पूरे दीन का निचोड़ और खुलासा बयान करना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक वर्ड एक लफ्ज़ जो पूरे दीन की तर्जमानी करता है जो पूरे दिन की नुमाइंदगी करता है वह लफ्ज़ है अनना सियान व दीन नाम है खैर खही का दीन नाम है भला चाहने का कुल नली मनिया अल्लाह, साहबा कहते हमने पूछा कि अल्लाह के नबी किसकी खैर कहि कहा लिल्लाही वलि वलिरसूली वलि ही वली किताब ही वाली रसूल ही वली व आम अल्लाह की खैर काही, अल्लाह की किताब की खैर काही अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की खैर काही मुसलमानों के हुक्मरानों की खैर खाही और आमतुलमुसलम आम की खैर खाही तो देखो ये एक लफ्ज है जो हमारे पूरे दीन की तर्जुमानी करता है नस्व खैर खाही नसीहा क्या चीज़ है नसीहा अपने जहन को दूसरों के सिलसिले में हमेशा पॉजिटिव रखना और मुस्बत रखना दूसरों का हमेशा भला सोचना भला करना दूसरों का बुरा करना तो छोड़ो शरीयत कहती है कि बुरा सोचो भी मत बुरा करने का मरहला सोचने के बाद आता है शरीयत कहती है कि दीन तुम्हें इस बात की तालीम देता है दीन तुम्हें सिखाता है कि दूसरों का बुरा करना तो दूर की बात है दूसरों का बुरा करने की सोचो भी मत अपनी सोच हमेशा मुस्बत रखो कि मैं क्या भला कर सकता हूँ किसके काम आ सकता हूँ किसको क्या नफा पहुँचा सकता हूँ किसको क्या फ़ायदा मैं दे सकता हूँ मेरी जात से किसका क्या भला हो जाए किसकी बात बन जाए हमेशा ये सोच रखो ये दीन है दीन नसीहा। और ये खैर खाही किसके साथ सभी के साथ सभी के साथ घर में वालिदैन के साथ बीवी बच्चों के साथ अयजा व अकारब के साथ रिश्तेदारों के साथ दोस्तों अहबाब के साथ अड़ोस पड़ोस के साथ सबका भला चाहना ये दीन है ये दीनदार की पहचान है अच्छा सवाल ये है कि ये जो खैर खाही है कि दूसरों का भला चाहना और हदीस में जो है बोली मुस्लिमीना व आम थे कि तमाम मुसलमानों का भला चाहना तो क्या खैर खाही का तकाजा यह है नसीहत का तकाज़ा यह है कि हम सिर्फ मुसलमानों का भला चाहें मुसलमानों के खैर खाँ बने क्योंकि हदीस में मुसलमानों का वर्ड है मुसलमानों का लफ्ज़ है गैर मुसलमान के खैर ख़वा बनना नहीं है क्या एक असूल याद रखिए एक कैदा याद रखिए अहदीस में जो भी अखलाकी तालीमत दी गई हैं उसमें मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम की कोई तमीज़ नहीं है उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं है अहादीस में जो भी अखलाकी तालीमत दी गई हैं वो जहाँ मुसलमानों के साथ मामला करने में हैं, वह अखलाकी तालीमत गैर मुसलिम के साथ मामला करने में भी लागू होंगी प्यारे नबी ने मुस्लिम का लफ्ज़ क्यों उस किया फिर जैसे हदीस है अलमुसलिमुसि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे अब क्या मतलब इस हदीस का कि मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना दे और गैर मुस्लिम को तकलीफ देना जायज है क्या बिल्कुल नहीं प्यारे नबी ने मुसलिम क्यों कहा जानते हैं इसको क़ैद तकलीबी कहा जाता है कि जिस मुआरे में आपने यह हदीस इर्शाद फरमाई वहाँ गालिब आबादी मुसलमानों की थी और आपके मुखातब जो थे वो मुसलमान थे इसलिए प्यारे नबी ने न कहा वरना तो जो अखलाक़ी तालीमत हैं ये सब के लिए हैं मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें यानी दूसरे इंसान महफूज रहें खैर काही मुसलमानों की करो यानी खैर काही सब की करो सब का भला चाहो हजरात ये इतनी बड़ी सिफत है इतनी बड़ी सिफत है सबक राम रिजवान मजमाइन इस्लाम कबूल करते हुए प्यारे नबी के हाथ पे जो बैत करते थे तो जिन बातों पे वो बैत करते थे उसमें से एक ये भी हज़रत जरीर बिन अबल्लाजअली नो कहते हैं कि मैंने नबी करीम वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल करते हुए जब बैत की तो जिन उमूर पर आपने बैत ली उसमें से अन मुस्लिम आपने मुझसे बैत ली कि वादा करो कि हर मुसलमान का भला चाहोगे हर मुसलमान का खैर चाहोगे हर मुसलमान के खैरखा और हमदर्द बनोगे ये वादा करो आपने वादा लिया उनसे बात और भाइयों ये दूसरों का भला चाहना दूसरों के खैरखा बनना इसके कई अमली तकाज़े हैं चंद एक में आज आपकी मेरी तकरीर में उसके कुछ अमली तकाज़ों की तरफ इशारा करके इन श्रा साढ़े आठ तक अपनी गुफ्त को ख़त्म करता हूँ दूसरों के खैर खा बनने का अदीन अननहा का पहला तकाजा ये है जिसे लिसान नबोवत ने इन अल्फाज में बयान किया किबली मोहिबली नफसी जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज़ दूसरे सारों के लिए पसंद करें और जो चीज़ हम अपने लिए ना पसंद करते हैं उस चीज को दूसरे सारों के लिए ना पसंद करें क्या मतलब जो अपने लिए पसंद है दूसरों के लिए वही पसंद करो मिसाल के तौर तो पर मैं एक प्रैक्टिकल मिसाल अमली मिसाल ये जो हमारे माशरे में चलता है फरज कीजिए कि हमारे घर के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल गया अच्छा दामाद मिल गया या अच्छी बहू मिल गई बहुत खुश हो जाते हम अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत से नवाज दिया अच्छा दामाद मिल गया या अच्छी बहू मिल गई ठीक खुश होने का हक हाँ है हमें लेकिन हमारे रिश्तेदार को जब अच्छा दामाद मिल जाता है या हमारे रिश्तेदार को जब अच्छी बहू मिल जाती है हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है ये मुआशरा है ये जलने लगते हैं जलने लगते हैं और बसा औकात कुछ कमजरफ ऐसे भी होंगे आरजू करेंगे किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए तलखियां आ जाए टूट जाए ये मोमिन नहीं ये दीनदार नहीं ऐसा शख्स ऐसी सोच रखने वाला भले से वो मस्जिद में पहले सब में खड़े होकर क्यों ना नमाज पढ़ता हो जो चीज अपने लिए पसंद है सब के लिए वही पसंद करो तुम्हें पसंद है कि तुम्हें अच्छा दामाद मिले तुम्हें पसंद है कि तुम्हें अच्छी बहू मिले तमाम मुसलमानों के हक में तमाम रिश्तेदारों के हक में ये सोच रखो कि अल्लाह हर बच्ची को अच्छा शोहर दे और हर बच्चे को अल्लाह अच्छी बीवी दे ये सोच ये है खैर खाई हम चाहते हैं हमारा बिजनेस तरक्की करे और जब बिजनेस तरक्की करता है तिजारत फलती है फूलती है बहुत खुश होते हैं बहुत अच्छी बात लेकिन जब किसी दूसरे की तरक्की हमारे सामने होती है तो हमसे देखी नहीं जाती कोई दूसरा हमारे सामने तरक्की करता है तो ये तरक्की हमसे देखी नहीं जाती जलने लगते हैं हसत करने लगते हैं रवैया बदल जाता है हमारा तेवर बदल जाते हैं हमारे ये दीनदारी नहीं और ये खैर खाही नहीं तो खैर खाही व सिहा का पहला तकाजा ये है कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज सबके लिए पसंद करें जो चीज़ अपने लिए ना पसंद करते हैं वही चीज सबके लिए ना पसंद करें इसी तरह से नुसो खैर खाही का एक अहम तरीन तकाजा ये है फराख दिली लोगों के हक में हम फराख दिल बने अपने दिल को बड़ा करें बड़ा रखें अपने दिल को कैसे प्यारे नबी सल्ला वसलम एक हदीज में फरमाते हैं रहमल्ला हो रजुलदा समहन इद अश्तरा समहन इद अखा अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर जो सबके साथ हमेशा बड़े दिल का मामला करता है फराग दिली का मामला करता है ख़रीदता है तब भी फराग दिली से ख़रीदता है बेचता है तब भी फरार दिली से बेचता है और किसी से अपने हक़ का मतालबा और तक़ा करता है तो तकाजा भी करता है तो फराग दिली से करता है आप मार्केट जाते हैं ठीक है आपको तरकारी खरीदनी है मार्केट जाते हैं आप मंसूबा यह है सोच यह है कि बेहतर से बेहतर तरकारी मिले एकदम ताजी तरकारी मिले क्वालिटी वाला सामान मिले यह सोच लेके आप जाते हैं अच्छी बात है हर कोई यही सोचता है लेकिन जब आप मार्केट जाते हैं बाजार जाते हैं और उस बाजार में देखते हैं कि जहां बड़े बड़े कारोबारी आपकी क्वालिटी और मैार की तरकारी रख के बेच रहे वही उसी बाजार में किसी किनारे एक सत्तर अस्सी साल बूढ़िया बैठी बिजनेस कर रही है कोई सत्तर अस्सी साल बूढ़ा उधर बैठा हुआ बिजनेस कर रहा है ये इनके आराम करने की उम्र है औलाद नाफरमान निकली है ये अगर खुद नहीं कमाएंगे तो पेट नहीं भर सकते आराम करने की उम्र में ये बुढ़िया ये बूढ़ा मार्केट में आके चिलचिलाती धूप में सुबह से शाम तक बैठे हैं और यकीनन बड़े बड़े कारोबारियों के पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो नहीं होगी इनके पास फराग दिली ये है खैर खाही ये है आप कुर्बानी दो आप कुर्बानी दो अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करो जाओ इस बुढ़िया के पास खरीदो वो सड़े हुए टमाटर कुछ क्यों ना जाए सही जाओ इस बूढ़े के पास खरीदो भले से उस बैगन का और उस तरकारी का मैार कुछ कम क्यों ना सही ये मोमिनाना किरदार है और ये खैर का बहुत आला दर्जा खुद गर्ज ना बनो खुद गर्ज ना बनो खुद गर्ज होता है वो कभी दूसरों का नहीं हो सकता। खुद गर्ज उसे बस हमेशा अपना फायदा अजीज है वो हमेशा अपना मफाद देखता है दूसरा दूसरा जाए भाड़ में उसे बहर सूरत अपना फायदा अजीज है मुझे अपना फायदा करना है भले से सामने वाले का नुकसान करके सही सामने वाले का नुकसान करके सही हम अपना फायदा देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह वाले कैसे होते हैं जानते हैं जो वाकई दीनदार होते हैं हाँ वो कैसे होते हैं जानते हैं आप बोलेंगे क्या ये कैसा जहन है ये अल्लाह अकबर ये अल्लाह वाले हैं कौन है जरीर बिन अल बजली रजी अल्लाह नबी जिनकी बात मैंने बताई उन्होंने प्यारे नबी के हाथ पे बैत की बैत की किस बात की कि मैं हर एक के साथ खैर खाही का मामला करूंगा इस बात की बैत की उन्होंने वो कहते हैं मार्केट गए वो समझ रहे घोड़ा खरीदा कितने में खरीदा घोड़ा तीन सौ दिन का खरीदा घोड़ा खरीदने के बाद जब उस घोड़े की सवारी की उस घोड़े को दौड़ाया उस घोड़े को चलाया भगाया सवारी की इतना उम्दा लगा इतना उम्दा लगा लौट कर गए बाजार उस ताजिर को पकड़ा जिसने के घोड़ा बेचा था अल्लाह के बंदे इतने नादान इतना भोलापन इतना शानदार घोड़ा तुमने 300 सौ में दिया इसका हक तो ये आप जानते हैं कितना कितनी कीमत उन्होंने दी खुद से हा कहा मेरे हिसाब से ये घोड़ा कम से कम 800 सौ का है मजीद एक्स्ट्रा 500 सौ उठा के दिए कहा तुमने बेवकूफी की है, नादानी की है? आठ सौ दिरहम के घोड़े को तीन सौ ये नहीं करो आप लोगों से हा मकाम चीज अगर वो हक रखती है उस क्वालिटी की है मार्केट में वो रेट है बेचारा सामने वाला भोला भाला है अपने भोलेपन की वजह से वो अपना नुकसान कर ले रहा है तो आप उससे खरीद कर खुश नहीं होना कि मैं जो है अपना बड़ा फायदा कर लिया इस्लाम की तालीमात क्या है ना खुद का नुकसान करो ना दूसरों का नुकसान करो ना खुद का नुकसान ना दूसरों का नुकसान कैसी तरबियत प्यारे नबी ने नेबा की की थी जाके उसको खुद से 500 सौ दरहम मजीद बढ़ाकर आठ सौ दरहम दे के आए हजरत जरीर बिन अब अली रजी ती तरह से हजरात खैर खाही के जो बहुत सारे तकाज़े हैं उसमें से एक ये भी कि जिंदगी में कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत ठूटाओ किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा मत उठाओ जिंदगी में मजबूरी का जो वक्त है ना ये मदद का वक्त होता है ये मदद करने का वक्त होता है आज सामने वाला मजबूर है आज उसकी मजबूरी से आप गलत फायदा उठाओगे कल यही मजबूरी और इससे बड़ी मजबूरी आपकी जिंदगी में आ सकती है किसी मजबूर की मजबूरी का गलत फायदा हर किस्मत उठाइए ये अदीन अन का बहुत बड़ा तकाजा है कैसे भाई हम कैसे गलत फायदा उठाते हैं एक शख्स है हमारा दोस्त जान पहचान का रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो हस्पताल में उसका कोई अजीज़ उसका लड़का उसकी लड़की उसकी बीवी कोई एडमिट है लंबा चौड़ा ख़र्चा है पाँच छः लाख का कहीं उसे पैसा मिल नहीं रहा है कर्ज में भी नहीं मिल रहा है वो आता है आकर हमसे कहता है कि मेरी वो ज़मीन वो जो साइड है ज़रा ख़रीद लो ना मुझे पैसा चाहिए हमें मालूम है कि मार्केट रेट इस उसका बीस लाख है मार्केट रेट बीस लाख है बीस लाख में तो जाएगी ही वह जमीन मगर हम देख रहे मजबूर है अब इसे बहर सूरत फायदा चाहिए हम कहते हैं दस लाख में दो बारह लाख में दो जबकि हमारा दिल गवाही दे, दे रहा है हमारा जमीर गवाही दे रहा है कि कम से कम इसकी कीमत बीस लाख है इस वक्त मार्केट में बस उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं हम वो कहते हैं दस लाख में दो अब बेचारे को चूंकि बेचना है बहर सूरत वो बेच देता है नुकसान में ही सही जब कोई खरीदार नहीं मिलता है आपके पास आप जो बारह बोले ना ले लो मुझे दे दो क्या खुशी से देगा वो देकर खुश होगा वो अपनी वो साइड बेचकर उसे कितना दुख होगा कितनी तकलीफ होगी उसको और मैं मोमिन नहीं रहूंगा अगर ऐसे मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाकर मुझे खुशी होती है तो मैं मोमिन नहीं रहूंगा व नसीहा दीनदारी क्या है सबका भला चाहना अपने लिए जो सोच रखते हैं अपने लिए जो जहन रखते हैं सबके लिए वही सोच रखना वही जहन रखना इसी तरह से हजरात नसो खैर खाही के जो तकाज़े हैं उसमें से एक अहम तरीन तकाजा ये भी है गलती करने वाले की असलाह करना यह बहुत बड़ी खैर खाही है जो गलत कर रहा है उसकी असलाह करना जरूरी है उसको ही नहीं छोड़ना उसकी असलाह करो इसलाह की कोशिश करो लेकिन खैर काही का एक और तकाजो जो इस की सिमत में कदम बढ़ाते हुए बाज़ मुसलि ऐसे होते हैं कि उनकी असलाह करने का तरीका ऐसा होता है और उनकी नसीहत व फजीहत बन जाती है सामने वाले को जलील करके जो तो इसलाह करते हैं इससे याद रखो कभी असलाह नहीं होती आप सामने वाले को जलील करके उसकी असलाह का ख्वाब नहीं देख सकते आप असलाह करो और यूं करो कि उसकी इज्जत नफ्स को ठेस न पहुंचे उसे रस्वा ना करो उसे जलील ना करो कैसे भाई अल्लाह हमारे असलाफ की जिंदगी में कैसे नमूने मिलते हैं तारीखी किताबों में ये वाक्य है हसन और हुसैन रजी अल्लाहनुमा हसन और हुसैन रजी अल्लाहुमा कम सन दोनों ने देखा एक बुजुर्ग को वजू कर रहे हैं बुजर्ग और गलती कर रहे हैं वजू कर रहे हैं और गलत ही कर रहे हैं और वजू करने वाली शख्सियत बड़ी उम्र वाली बुजुर्ग दोनों ने कहा हम जाके अगर डायरेक्ट बोलते हैं शर्मिंदा होंगे कि बच्चों को जो मसला मालूम है मुझे नहीं मालूम है शर्मिंदा होंगे दोनों ने क्या तय किया हसन और हुसैन रजी ने दोनों ने यह तय किया देखिए उसलूब उनका दोनों गए बुजुर्ग के पास बोले कि चचा जान हम दोनों में वजू के तरीके में कुछ अख्तिलाफ हो गया है हम चाहते हैं कि आप हमारा वजू का तरीका देखें किसका वजू का तरीका सही है हजरत हसन ने पहले वजू किया सुनत रसूल के मुताबिक पूरा वजू हजरत हुसैन ने भी ब्याई नहीं वैसे ही सुन्नत रसूल के मुताबिक पूरा वजू किया बुजुर्ग मैसेज समझ गए वो समझ गए कि यह असल मेरी गलती की असला जब दोनों का वजू देखा उन्हें समझ आ गई कि वो कहाँ गलती कर रहे थे कहा कि ये दोनों लड़के मुझे असल में ये मैसेज देना चाह रहे थे शुक्र अदा किया बुसा ये होती है नसीहत ये होती है खैर खाही नसी बहुत सारे लोगों की नसीहत वो फजीहत में बदल जाती है प्यारे नबी की का उसलूब ना होने की वजह से और प्यारे नबी के अखलाक ना होने की वजह से तो भाइयों जैसे मैंने कहा ये बहुत अजीम सिफत है बहुत अजीम सिफत ये अपने अंदर पैदा करना है और ये वही पैदा कर सकता है नसीहा खैर खाही जो दीन के आला दर्जे पे फाइज हो जिसके ज़र्फ़ में वत हो जिसका दिल बहुत बड़ा हो कम ज़र्फ़ वो के बस की बात नहीं है सिफत पैदा करना तो दीन दा ये हदीस कहती है दीन व नसीहा कि दीनदारी का असल इम्तहान दूसरों के साथ माशरत में दूसरों के साथ मामलात में होता है जो दूसरों के साथ माशरत लेन देन और मामलात में जितना परफेक्ट होता है अल्लाह के नज़दीक वो उतना दीनदार और जो उसमें जितना कमज़ोर हो तो वो उसके दीन में उतनी ही कमी हो रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को भी और आप सभी सुनने वालों को ये अजीम सिफत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक तो अता फरमाए اللهم आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू